दिल्ली के तिहाड़ जेल में टिल्लू ताजपुरिया की हत्या के बाद एक और कैदी के मौत की खबर ने चारों तरफ सनसनी मचा कर रख दिया है। जी हां दोस्तों, टिल्लू ताजपुरिया को गोगी गैंग के बदमाशों ने पहले दिल्ली के तिहाड़ जेल के अंदर मौत के घाट उतारा। अब बताया जा रहा है जावेद नाम का एक कैदी जेल के अंदर ही मर गया है। दोस्तों जिस तरह से जावेद के मौत की खबर निकलकर सामने आ रही है, ये खबर चारों तरफ लोगों को परेशान करके रख दी है। आज के इस वीडियो में आपको हम बताएंगे जिस कैदी जावेद का मौत हुआ है जेल के अंदर, उसके मौत के पीछे का रहस्य क्या है, क्या इसमें पुलिस वालों का गलती है या फिर टिल्लू ताजपुरिया की हत्या के बाद गोगी गैंग के बदमाशों से ये बदला है, क्या जावेद नाम का वो कैदी गोगी गैंग के बदमाशों से मिला हुआ था। बहुत सारे लोगों के मन में सवाल भी होगा। दोस्तों बताया जाता है जावेद दिल्ली के अंदर कई तरह का आपराधिक काम करता था। जावेद के बारे में बताया जाता है दिल्ली के मालवीय नगर थाने में इसके खिलाफ मामला दर्ज करा गया था। दोस्तों दिल्ली के अंदर ये चोरी चपारी करता था, उसके बाद बताया जाता है दिल्ली पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया और दिल्ली के तिहाड़ जेल के अंदर इसे बंद कर दिया गया। दोस्तों जेल के अंदर बताया जाता है जावेद का बर्ताव बिल्कुल अच्छा था, जेल के अंदर ये किसी से भी लड़ाई झगड़ा नहीं करता था। लेकिन बताया जाता है 22 मई 2023 की बात है, जब ये शाम के 5 बजे दिल्ली के तिहाड़ जेल के शौचालय के अंदर शौच करने के लिए जाता है और दोस्तों शौचालय जाने के बाद ये पुनः वापस लौटकर नहीं आता है। फिर उसके बाद तिहाड़ जेल के सुरक्षाकर्मी जब इसको ढूंढना शुरू करते हैं तो उन लोगों को पता लगता है कि जावेद टॉयलेट रूम के अंदर फांसी लगा लिया है। दोस्तों जब जावेद के लाश को देखा जाता है तो पुलिस वालों का भी दिमाग हिल जाता है। एक पल के लिए तो पुलिस वालों को इस बात का भी डर हो जाता है कि पता नहीं उन लोगों को किन किन सवालों का जवाब देना पड़ेगा। अब दोस्तों बहुत सारे लोगों के मन में सवाल है कि क्या टिल्लू ताजपुरिया की हत्या के बाद गोगी गैंग के बदमाशों से बदला लिया गया है, क्या जावेद का कनेक्शन गोगी गैंग के बदमाशों के साथ था। अब दोस्तों जिस तरह से लोगों के मन में सवाल है तो आपको बता दूं कि दोस्तों तिहाड़ जेल प्रशासन ने साफ साफ कहा है कि ये कैदी खुद की वजह से ही मरा है, इसने आत्महत्या करा है। बाकी दोस्तों बताया जाता है जावेद जो कि जेल के अंदर अच्छे से ही रहता था, उसका किसी भी तरह से गोगी गैंग या फिर टिल्लू ताजपुरिया गैंग से ताल्लुक नहीं था। लेकिन दोस्तों जावेद के मरने के बाद बताया जा रहा है तिहाड़ जेल के अंदर एक बार फिर से हड़कंप मच गया है। हालांकि फिलहाल बताया जा रहा है इस मामले का इन्वेस्टिगेशन करा जा रहा है, क्योंकि दोस्तों जेल के अंदर इस तरह का घटना होना जो कि पुलिस वालों को तो हैरान कर ही देता है, बाकी लोगों के मन में कई तरह का सवाल भी पैदा कर देता है। तो फिलहाल बताया जा रहा है तिहाड़ जेल के अंदर कैदी जावेद के मरने के बाद इन्वेस्टिगेशन करा जा रहा है, सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला जा रहा है, शायद हो सकता है कि किसी ने उसके ऊपर हमला भी करा हो। तो इस तरह की बातें भी पुलिस वालों के मन में है, देखते हैं इन सवालों का जवाब कब तक पुलिस वाले ढूंढ पाते हैं। फिलहाल बताया जाता है जावेद के डेड बॉडी को हॉस्पिटल भेज दिया गया है पोस्टमार्टम के लिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और यदि आपको कुछ भी कहना हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। जय हिंद।